5 लाख में ऑन रोड, 30-32 तक का पेट्रोल में माइलेज, 1 लीटर का इंजन, सेफ्टी में 4 स्टार। मेन फीचर्स की बात करें, ऑल पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें कि आपको जीपीएस कनेक्टिविटी मिले, 6 एयरबैग, एबीएस, ईएससी, रियर व्यू कैमरा। नॉर्मली फीचर्स में 360 व्यू नहीं, फ्रंट रियर में फॉग लैम्प, साइड इंपैक्ट बीम, क्रैश सेंसर और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। मेन पॉइंट में बात करें, 90 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड और अंडर 5 लाख ऑन रोड में देश में सबसे ज्यादा, क्या यह कार सबसे ज्यादा बिकने वाली है? इन फीचर्स के साथ, इस प्राइस के साथ और इस माइलेज के साथ इस गाड़ी की डिमांड कैसी होने वाली है, इस बारे में एक सब्सक्राइबर्स ने यहां पर कमेंट्स किया कि अंडर 5 लाख में अगर कोई भी ब्रांड्स अपनी गाड़ी लाता है और उसी में क्या मेनली फीचर्स होने चाहिए, टॉप स्पीड जहां पर कि 200 या 150 ना हो, केवल 90 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड हो, 30 या 32 तक का माइलेज हो, और सबसे बड़ी बात है जो नॉर्मली फीचर्स हैं वो सभी मिल जाएं, बहुत सारे कंफर्ट के आप कहें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फीचर जैसे कि पैनारोमिक सनरूफ है, 360 डिग्री कैमरा है, एडास है, बेशक ना हो, मेन फीचर्स जो आपको स्टार्टिंग में शेयर किए, ऑल पावर विंडो मिले, जीपीएस कनेक्टिविटी हो, साथ ही एयरबैग हो, एबीएस हो, ईबीडी हो, रियर व्यू कैमरा हो, नॉर्मली, और ये सिस्टम कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं है, आफ्टर मार्केट भी 4 से 4.5 हज़ार में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, फॉग लैंप भी मिलने चाहिए फ्रंट में, साइड इंपैक्ट बीम या आप कह सकते हैं कॉर्नर स्टेबिलिटी सिस्टम जैसे सेफ्टी के फीचर्स हो, और सबसे बड़ी बात है गाड़ी कम से कम 4 स्टार हो और गाड़ी का वेट भी इतना हो कि रोड स्टेबिलिटी भी बेटर हो, ऐसा ना लगे कि टीन के डिब्बे में बैठे हुए हैं जो सड़क पर फ्लक्चुएशन होती रहे। ये सब कुछ क्राइटेरिया फॉलो करते हुए मार्केट में जो भी टॉप ब्रांड्स हैं या जो भी अवेलेबल नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड हैं, क्या इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हुए अंडर 5 लाख में, जी हाँ 5 लाख में ऑन रोड किसी गाड़ी को नहीं ला सकते हैं। खास तौर से स्वदेशी कार निर्माता कंपनियों की अगर बात करें इस प्राइस सेगमेंट में, ये नॉर्मली फीचर्स देते हुए तो मिड वर्क कस्टमर की एक बहुत बड़ी डिमांड पूरी होगी, और जहां पर सभी कंपनियों ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया हुआ है, एक से बढ़कर एक एडवांस गाड़ियां आ रही हैं, एडवांस फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन बेसिक कस्टमर की नीड कहीं बहुत पीछे छूट चुकी है, यानी कि उस कस्टमर्स को जो मिड वर्क से या आप कह सकते हैं लोअर मिड वर्क से आता है उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है, जबकि वो मैक्सिमम कस्टमर है जो कि 4 व्हीलर ले सकता है, लेता भी है, ऐसा नहीं है लेता है या फिर वहां पर ईएमआई के जाल में फंस भी जाता है, लेकिन क्या उसकी ये सभी नीड कंप्लीट होती है जो इस बजट की गाड़ियां फिलहाल में भी अवेलेबल है? ऐसा नहीं है कि इस बजट में गाड़ियां नहीं है, 4.5 लाख में भी आपको ऑन रोड गाड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन ये मेन क्राइटेरिया जो आपको बताया यह भी सब कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक बजट 4.5 लाख ना हो, 5 लाख हो जाए, 50,000 एक्सपेंड करें कंपनियां, लेकिन ये सारे फीचर्स जो हमने शेयर किए हैं वो सभी उसमें होने चाहिए। तो बेशक कोई सा भी ब्रांड हो अगर इनको फॉलो कर लेता है तो न उसे किसी प्रमोशन की जरूरत होगी, न किसी मार्केट में हाइप क्रिएट करने की जरूरत होगी, और वह गाड़ी जो इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करेगी बिना किसी प्रमोशन के, इतनी रिकॉर्ड तोड़ सेल होने वाली है कि बड़ी बड़ी एसयूवी के रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये एक रियल फैक्ट है, और ये मिड वर्क के कस्टमर की डिमांड भी है। और अगर आप सोचते हैं कि ये सारे फीचर्स को फॉलो करते हुए 5 लाख में ऐसी कोई गाड़ी मार्केट में आनी ही चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को कम से कम 10 या 20 लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये बात उन कंपनियों के कानों तक पहुंचे जो बहुत सारे फीचर्स पर फोकस कर रही है कि हमें हर गाड़ी में सनरूफ देना है। भाई, इंडिया में सनरूफ की इतनी बड़ी कोई नीड है भी नहीं, एक रियल फैक्ट यही है। ये उन देशों के लिए है जहां पर कि सूर्य कभी कभी निकलता है तो भाई छत खोलकर अपने धूप वगैरह ले लेते हैं, लेकिन यहां पर तो आप जानते ही हैं मैक्सिमम सूर्य रहता है और आपको सनरूफ बंद ही रखना है, बाकी सोसेबाजी का कुछ नहीं कहा जा सकता है।
इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो शायद सालों साल तक यूज भी नहीं होते हैं। मेन फीचर्स यही हैं जो आपको हमने बताए हैं, पावर विंडो मिल जाए, जीपीएस कनेक्टिविटी, एडवांस इंफोटेनमेंट इसलिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मनोरंजन के लिए, मैप वगैरह देखने के लिए या थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। गाड़ी चलाते हुए तो एंटरटेनमेंट बेशक होता भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा फॉग लैंप भी मस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर स्टीयरिंग इंपॉर्टेंट है, उसमें टिल्ट का भी फीचर हो तो मच बेटर है, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी होना चाहिए ऑल कंडीशन के लिए। सबसे बड़ा पॉइंट जो फॉलो करना चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में भी कि गाड़ी बेशक 5 स्टार ना हो लेकिन 4 स्टार रेटिंग तो अवश्य हो, और इस बजट में इसे फॉलो किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा ब्रांड, खासतौर से जो स्वदेशी कोई ऐसा ब्रांड हो जो एक मिड वर्क कस्टमर के बारे में सोचे, प्लस बहुत ज्यादा वहां पर प्रॉफिट पर विचार ना करते हुए थोड़ा लो प्रॉफिट रखे, क्वालिटी बेटर बनाए, तो वहां पर उसका प्रॉफिट निकलकर इतना आ जाएगा कि उसका टोटल जो सेल्स होगी उसकी गाड़ियों की, चाहे उसके प्रोफाइल में 10 20 30 40 50 गाड़ियां हो, कि अकेली गाड़ी ही सब प्रॉफिट से ऊपर ले जाएगी, कम बचेगा एक गाड़ी पर लेकिन बहुत सारी बिकेंगी तो बहुत बचेगा। इस पॉइंट्स पर फोकस करने की जरूरत है और ये बिजनेस का मूल मंत्र भी है उन कंपनियों के लिए जो कि बहुत सारे प्रॉफिट पर ध्यान देती हैं, बहुत सारा हाइप बनाती हैं, एक से बढ़कर एक गाड़ियां ला रही हैं, आज 20 लाख की आएगी, कल को इसका नया वर्जन आएगा वो 24 लाख का आएगा। सही बात है, बेशक हर रेंज की गाड़ियां बिकती हैं, हम ये नहीं कहते हैं, यहाँ पर मर्सिडीज भी सेल होगी, ऑडी भी सेल होगी, वॉल्वो भी सेल होगी, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां सेल होती हैं करोड़ों की भी, चाहे वो टू व्हीलर सेगमेंट में, वहां भी लाखों तक के सेल हो जाते हैं, लेकिन एक कस्टमर जो मिड वर्क का जो आज भी मैक्सिमम है, और कुछ ब्रांड्स की सेल ही जिस मैक्सिमम उस मिड वर्क के कस्टमर पर टिकी हुई है दोस्तों, उसका कारण ही यही है कि मिड वर्क के कस्टमर के लिए ऑप्शंस ही दूसरा नहीं है। 4.5 लाख में ऑन रोड उसे कोई गाड़ी लेनी है तो उसे किसी पर्टिकुलर गाड़ी पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है दूसरा जो है। ऐसा तो है नहीं कि वो 4.5 में 5 लाख नहीं दे सकता अगर ये सब कुछ उसे मिल जाए, लेकिन यहाँ पर हम एक बजट सेट करते हैं, अंडर 5 लाख ऑन रोड में दीजिए, मेन फीचर्स को फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा गाड़ी में आप एडवांस फीचर्स मत लगाइए, उनका कोई यूज़ भी नहीं है कि आप सनरूफ दें, 360 व्यू दें, सेफ्टी के लिए बेटर हो सकता है, मच आप उसमें नहीं कर सकते हैं, उसे इंक्लूड तो मत कीजिए, केवल एक नॉर्मल कैमरा दीजिए। इंफोटेनमेंट का 4, 4.5, 5 हजार, 6 हजार में हो जाता है, कोई बहुत बड़ा महंगा सिस्टम नहीं है। ये मेन फीचर्स के साथ अगर कोई 5 लाख की गाड़ी मार्केट में अवेलेबल हो, कोई सा भी ब्रांड लेकर आए दोस्तों, उसकी जबरदस्त सेल होती है, सेल होगी, अवश्य होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आज भी जो सबसे कम बजट की गाड़ियों की सेल होने का कारण यही है कि कस्टमर के पास जितना पैसा है सभी जानते हैं, उसे किसी जाल में नहीं फंसना है। जो जाल में फंस जाते हैं ईएमआई के, आप जानते ही हैं, बैंकें उनकी गाड़ियां कैश लेती हैं, फिर बहुत सारी उनके साथ टेंशन होती है, तो एक बजट यहां पर सेट कर देते हैं हम यहां पर। अब इस बारे में कंपनियां कितना फोकस करती हैं, ये वीडियो कितना उन तक पहुँचती है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो उस वीडियो को 10, 20, 50, 100 लोगों को शेयर कीजिए, पॉसिबल है टाइमली ये जाते जाते देश की उन कंपनियों के मैनेजमेंट तक पहुंचे जो इस बारे में विचार करें इस बजट को सेट करने के बाद में। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या पॉसिबल है कि इस टाइप की गाड़ी मार्केट में अवेलेबल हो जाए जो 5 लाख में ही आपको ये फीचर्स दे, वंस अगेन आपके साथ फीचर शेयर कर देते हैं, सेफ्टी में मस्ट इम्पॉर्टेंट 4 स्टार हो, माइलेज बेशक पेट्रोल में 28 हो 30 हो चलेगा नॉट प्रॉब्लम, ऑल पावर विंडो हो, पावर स्टीयरिंग हो, इंफोटेनमेंट के लिए सिस्टम हो, एक कैमरा भी जरूर हो, 360 व्यू ना हो, ज्यादा ना हो, और इसके अलावा फॉग लैंप हो फ्रंट में कम से कम, साइड इंपैक्ट बीम, क्रैश सेंसर, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिला के एक यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया जाए तो नेचुरली इंडियन कस्टमर के लिए, मध्य वर्ग के कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होने वाला है। नियर फ्यूचर में पॉसिबल है कि कोई कंपनी इस बारे में विचार करे, हमने आपके और अपने मन की यहाँ पर जो आइडिया है यहाँ पर शेयर कर दिया है। अब इस बात को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि कंपनियाँ इस बारे में विचार करें। अगर आप भी चाहते हैं
कि इस बजट में ऐसी कोई गाड़ी आए और आप भी उसे परचेज करेंगे तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में कि हम भी इसे परचेज करना चाहेंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं, ऐसा कौन सा ब्रांड होगा जो इस बारे में पहल करने की सोचेगा या इस प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकता है? मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए शेयर करने वाले हैं मार्केट की उन अपकमिंग फेसलिफ्ट गाड़ियों के बारे में जो फिलहाल में पॉपुलर हैं और बहुत जल्द उनके कुछ ही दिनों में 10 दिन 15 दिन 20 दिन में यानी दीपावली तक उनके फेसलिफ्ट आ जाएंगे। अगर आपको उनकी नीड है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अपनी इंपॉर्टेंट क्वेरी को कमेंट्स में लिखते रहिए। नमस्कार, जय।